का युद्ध जो चल रहा है क्या कहेंगे? नीतीश कुमार सरकार बदल जाएगी? नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जनता के भागीदारी हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के आशीर्वाद से हम लोग कहे जाते आते हैं, है ना? तो फिर इसमें सरकार रहे या ना रहे उसी विषय पर चर्चा करने की क्या बात है? लेकिन लगातार जो चर्चाएं कर रही है, क्या लगता है? हमें कहीं से भी बुलाया नहीं गया है, हमें जनता उस लायक बनाया गया है, बनाया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से। हम उनके सुख दुख में हर तरह से साथ हैं, इसीलिए हैं। नहीं जानते कि बैठक होगा या नहीं होगा, हम लोग को जनता का सेवा करना है, इस विषय पर चर्चा हमेशा करते रहते हैं, आज भी करेंगे। नीतीश रहे चाहे नहीं रहे, देखिए कौन रहेगा नहीं रहेगा इस विषय पर कहने के अधिकार हम नहीं रखते हैं, इस विषय पर कहने का अधिकार हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन बीजेपी अपनी कह रही है कि कंधा पर ढोने के लिए तैयार है। हम लोग न कभी दुख से घबराए हैं, न किसी सुख में कभी खुशी मनाए हैं, हम लोग हमेशा एक ही रूप में रहे हैं। दुख भी हम लोग का साथ रहा है और सुख भी हम लोग के साथ रहा है। नीतीश कुमार को कंधे पर ढोने के लिए तैयार है, कंधे पर नीतीश कुमार को ढोने के लिए तैयार है, स्वागत के लिए तैयार है, आज क्या कहेंगे? देखिए हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी का कितना कंधा मजबूत है, ये आज नहीं वर्षों से 90 से देख रहे हैं कि सबके कंधे पे अपने पर बैठा के लेके चल रहे हैं। जनता उनको उस लायक बनाया है और कल भी बनाया था, आज ही बनाएगा। नीतीश जी धोखा दे देते हैं बार बार। देखिए हमारे लालू प्रसाद यादव जी को आज तक ने धोखा दिया है और न दे सकता है, इतना क्षमता है उनमें और वो जनता और धोखा को दे भी सकता है तो जनता धोखा देगी, किसी और में कोई क्षमता नहीं। सरकार रहेगी आपको लगता है? देखिए सरकार से क्या लेना देना हमको है, कल भी हम सरकार से सरकार है। अरे भाई एक मिनट, विधायक है, जनता हमको भेजी है काम करने के लिए ना जी, तो हम विधायक रहे साथ में, अधिकार दिया हमको जनता काम करने के लिए, साथ में रहेंगे सरकार के साथ में तो भी काम करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी काम करेंगे। लालू के दुख के घड़ी में साथ हैं आप, लालू के लालू प्रसाद यादव। हमारे चाहने से न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है कि हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये तो जनता मालिक होता है ना, जनता जब चाहेगी जब उनको बना देगा। देखिए जब तक जनता हाथ नहीं खींचेगा तब तक कोई किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।